हेलो गाइस, मेरा नाम पूर्व जैन है। इस बार जो SBI PO 2020 हुआ था उसमें मैंने क्लियर किया है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसमें को जो मेंस पेपर था उसमें 110 आए थे, इंटरव्यू में को 49 आए आउट ऑफ 50, तो ओवरऑल मेरा 57 नंबर बने, वो कट ऑफ 51 अराउंड कुछ गया था। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मेरा अप्रोच क्या था और क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपको चीज़ पसंद आए ना आए, वो आप पर डिपेंड करता है, पर मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स से। अब गाइस देखो, जो प्रीलिम्स के फॉर्म की जो आखिरी डेट थी, फाइनल डेट, उसके 10 दिन पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं SBI PO की प्रिपरेशन करूंगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर एक टॉपिक को उठाऊं, उसकी एक बुक पढ़ूं या फिर उसके वीडियोज़ देखूँ, फिर नोट्स बनाऊँ, फिर प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने सिंपल तरीका ये अपनाया कि टॉपिक्स लिया और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दी। मैं 2 टेस्ट सीरीज लगाई थी। मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ, वो भी इंडिविजुअल टॉपिक वाइज बोल रहा हूँ, लाइक क्वांटिटी एप्टीट्यूड की 30 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज लगा दी इस तरीके से। उससे मेरे को ये मालूम पड़ गया कि किस चीज़ के मेरे को अभी भी दिमाग में है नॉलेज, ठीक है, वो किस चीज़ कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। उसके बाद मैंने बेसिक फॉर्मुलेज वगैरह पढ़ लिए थे, स्पीड डिस्टेंस टाइम सिंपल सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, जो बेसिक फॉर्मुलेज होते हैं एकदम वो पढ़े, वो मैंने लगाए क्वेश्चन। तो उसके बाद मैंने तरीका ये अपनाया कि जिस चीज़ में वीक था उसको मैंने एकदम इग्नोर कर दिया, और जिस चीज़ में स्ट्रांग था, लाइक मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रांग थी, उस पर मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लगाए। उसका रीज़न ये है कि आपको 35 में से 35 नंबर नहीं लाना है, आपको 35 में से 20 या 25 नंबर लाना है, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी, अगर आपका वीक है, आप उसके एक दो क्वेश्चन स्किप भी कर रहे हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है, अगर आप उसके एक दो टॉपिक स्किप करते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके 2-3 टॉपिक जो आपके वीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। कोशिश करना कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो मेरे जैसे प्रॉफिट एंड रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह या फिर डिस्टेंस टाइम, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे, उसके मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए, ताकि मैंने क्वेश्चन देखते ही समझ गया कि मेरे को ये लगाना है, इस तरीके से मेरे को अप्रोच रखना है, तो मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया अरिथमेटिक। DI और रॉन्ग नंबर सीरीज तो पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, प्लस आपका कैलकुलेशन। जो नंबर सीरीज आती है, अगर आपका कैलकुलेशन वीक होगा तो आप नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो बेसिक ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स तो नहीं बोलूंगा, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं या फिर जो टेबल्स वगैरह आपको मालूम होना चाहिए, 20 तक के टेबल याद कर लो, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, 20 तक के क्यूब याद कर लो, क्योंकि कई बार जो नंबर सीरीज आती है उसमें डायरेक्टली ऐसा आता है 7Q+1, 9Q+1, -Q+1, तो आपको डैश मालूम होना चाहिए कि 11 आएगा, इस तरीके से आए क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बेसिक ये सब याद करना है। उसके अलावा जो कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स तो नहीं बोलूँगा, कैलकुलेशन अप्रोच जो होते हैं, ट्रिक्स वर्ड में गलत यूज़ कर रहा हूँ, उसमें जैसे 99+101 करना है, ऐसे थोड़ा टफ में, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो उससे आप आराम से DI नंबर सीरीज सॉल्व कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके अंदर 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, -b+-d²-4ac/2a जो फॉर्मूला है वो लगाना। तो उसमें इशू ये होता है कि बहुत बड़ा चले जाता है, अगर मान लो c और a 21 और 31 है तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा तरीका फैक्टर मेथड होता है, जनरली उससे आंसर आ जाते हैं, पर लेट अज्यूम आपके फैक्टर मेथड से आंसर नहीं आ पाया, थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो एक और अप्रोच होता है, उसमें मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा सिंपल सा होता है और उसको ट्रिक्स वगैरह आपको शायद से उसके यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, पर जब ये वीडियो पब्लिश होगा तो मैं नीचे एक आर्टिकल छोड़ दूंगा उसका, जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो केवल और केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, उसमें वो कुछ नहीं करना। तो आपका क्वांटिटी हो गया। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में अगेन, रेदर देन लर्निंग ट्रिक्स की जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस आते हैं ना कि 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए काम आएगा। अगर क्वेश्चन कुछ और आ गया तो वो ट्रिक यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि अपना अप्रोच अच्छा करो। अप्रोच अच्छा करने का मतलब ये होता है कि मान लो आप पजल वाला क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें 3-4 अप्रोच हो सकते हैं। पहला अप्रोच तो ये हो रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप एज इट इज़ इनपुट डालना शुरू कर रहे हो, और जैसे नए केस आते जा रहे हैं आप नए नए केस बनाते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन दिया है कि एक 6 तल्ले की बिल्डिंग है और राम इवन नंबर बिल्डिंग में देता है, तो आपने 3 केस बना दिए, 1 में 2 में डाल दिया, 1 में 4 में डाल दिया, 1 में 6 में डाल दिया। एक तो ये तरीका होता है, केस बाय केस फटाफट, इसमें पर दिक्कत ये होती है बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, कन्फ्यूजन आ जाएगा, टाइम बहुत लगेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी चीज़ फिक्स दी हुई है ना उसको लिख लो, बाकी चीज़ को नीचे शॉर्ट में अपने पेपर पर लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि राम 6 तल्ले पर रहता है, उसको ब्लैक कलर पसंद है, तो ये आप इनपुट में लिख सकते हो फाइनल आंसर जो आप बना रहे हो। पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि श्याम इवन नंबर पे रहता है पर राम के ऊपर या नीचे रहता है, तो उसमें नीचे लिख देना शॉर्ट में, ताकि आप उसको आराम से कर सको। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप शॉर्ट में लिखते हो ना, तो आप जब नीचे तो देखते हो तो इन केसेस अपने आप ही माइनस हो जाते हैं, कम केसेस हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, तो सही टाइम पे कम टाइम पे क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ऐसे 2-3 अप्रोच होते हैं। मेरे को ये वाला अप्रोच बेस्ट लगता था कि जो भी फिक्स दिया हुआ उसको लिख दो, जो फिक्स नहीं है उसको नीचे लिखो,
उसके बाद केसेस बनाओ रेदर देन शुरुआत से केसेस बनाते हुए चलो। सीटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसा ही है। सीटिंग अरेंजमेंट आप अप्रोच एक कर सकते हो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में, इसको लीनियर बना के। मैं वो वैसे ही करता था, एक सर्कल को ऐसा लीनियर में खोल दिया, फिर दोनों को कनेक्ट कर दिए। उसमें लेफ्ट राइट वर्क करने में आसानी होती थी मेरे को, मेरे को पर्सनली अच्छा लगता था तो मैं वो करता था। अगर आपको नॉर्मल सर्कल पसंद है उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे अपने जो आपकी जो अप्रोच है ना, जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको करने में सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है और जल्दी सॉल्व हो रहा है, वो एक अप्रोच पकड़ लो, उसी अप्रोच पर काम करना है। ठीक है, रीजनिंग ही हो गया। अगेन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। आपकी टाइम स्पीड यानी स्पीड ऑफ सॉल्विंग का क्वेश्चन आपकी है ना प्रैक्टिस से ही सुधरेगी। तीसरा होता है इंग्लिश। इंग्लिश मेरी हमेशा स्ट्रांग थी, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ, मैं पेपर वगैरह रेगुलरली पढ़ता था तो इंग्लिश मेरी स्ट्रांग थी। पर मैंने जब टेस्ट सीरीज लगाई थी तो मैं इंग्लिश में को 17-18 नंबर आए थे। उसका रीज़न ये था कि ग्रामेटिकल में जो बेसिक ग्रामर है वो मैं जो हम फ्लुएंसी में बोल गलत ग्रामर बोल देते सामने वाले को समझ आता था क्या बोल रहे हैं, पर ग्रामेटिकल गलत है वो करना था। तो उसके लिए रेदर देन रीडिंग होल बुक ऑफ रेनन मार्टिन और वीडियोज वगैरह देखने का, अच्छा मैंने क्या किया कि जो वेबसाइट्स वगैरह पे जो टेंसेस वगैरह रूल्स होते हैं ना वो पढ़ लो। मुश्किल से 1-2 घंटा लगता है। टेंसेस के रूल्स पढ़ लिए, उस रूल्स को 5-6 बार रिवाइज कर लिए और फिर क्या टेस्ट सीरीज लगाई। आप टेस्ट सीरीज लगाओगे फिर उसके आंसर देखना कि आपने कहाँ गड़बड़ करी, तो आप अपने आप सुधार होते जाएगा। अगर आप 2 महीना भी ये कर लोगे ना तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मान लो आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो फिर आपने इंग्लिश में कभी ध्यान नहीं दिया, फिर आप वीडियोज या फिर एनन मार्टिन को फॉलो कर सकते हैं। ये अपना प्रीलिम्स हो गया। अब आते हैं मेंस की तरफ। मेंस में इंग्लिश अकाउंटी रीजनिंग यही करना है एज इट इज, जो हमने पढ़ा था उसी को लेके आना है। पर इसके अंदर बस ये करना है कि प्रीलिम्स में आपकी स्पीड मायने रखती थी, मेंस में आपकी एक्यूरेसी मायने रखेगी। 13 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको अश्योरेंस होना चाहिए कि आपकी 13 की 13 क्वांटिटी में सही है। लाइक इस बार मैं 12 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड में करके आया था और मैं पूरा यकीन है कि मेरे 12 की 12 सही गए होंगे, नहीं तो इतने अच्छे नंबर आते हैं। रीजनिंग में सेम मैंने 18 किए थे जो सही थे। तो जैसे हम प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि एक बार सॉल्व करने के बाद रीचेक करने का कि मैंने सही किया कि गलत किया है, क्योंकि उसमें मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेंस में ऐसा नहीं करना, एक बार आपने कर लिया तो एक बार रीचेक करना चाहते हो रीचेक करो, क्योंकि अगर आपका मेंस में करते समय अगर आपका गलत हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेंस में जो एक नई चीज़ आती है वो होती जीए। जीए करने के 2 अप्रोच हैं। पहला ये प्रीलिम्स आएगा, प्रीलिम्स करके आएंगे फिर हम जीए करेंगे 20 दिन में। उसमें इशू हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। प्लस 6 महीने की जीए 20 दिन में जब क्रैम करते हो और केवल फैक्चुअल चीज़ें याद करते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उससे बेटर अप्रोच ये है कि प्रीलिम्स करते समय रेगुलर जीए कंटिन्यू करना है। और उसका मेरे को जो बेस्ट तरीका लगा वो ये था, मैं बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाता था, जो डेली करंट अफेयर हुए वो पढ़े, अगले दिन वही वापस रिवाइज किए और फिर उसका टेस्ट लगाया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर 13 तारीख का करंट अफेयर है तो उसका टेस्ट 14 तारीख को आएगा। 13 को मैं करंट अफेयर पढ़े, 14 को वो रिवाइज किए और 14 को 13 का टेस्ट दिया। और उस हफ्ते के एंड में जो वीकली वन लाइनर आता है वो एक बार रिवाइज कर लिया, उसको हाईलाइट करके मंथ में एक बार उसको रिवाइज कर लिया। तो टोटल में 4 बार एक दिन के करंट अफेयर पढ़ जाता तो वे दिमाग में बैठ जाते थे। तो मेरे को उसमें काफ़ी सॉल्व मिला, लाइक मैं 36 क्वेश्चन सॉल्व करके टिक लगा के आया था। उसमें कुछ गलत भी थे पर फिर भी मेरे को एक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छे नंबर आए होंगे इसमें भी। ठीक है, तो जीए आप रेगुलर करोगे तो बेटर रहेगा रेदर देन बी जी में पूरा क्रेमअप करना, क्योंकि फैक्चुअल डाटा होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। तो जैसे यस बैंक ने वीज़ा के साथ डील साइन की है, SBI ने वीज़ा के साथ डील साइन की है, तो कंफ्यूज हो सकते हो कि किस डील का नाम क्या है। तो रेगुलर करो तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद अपना आगे कॉम्प्रिहेंशन या फिर जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग आती है उसमें 2 चीज़ का ध्यान देना है। पहला ये ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो हमारी वर्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए या फिर वर्ड लिमिट तक पहुंच जाना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि आपके सेंटर पे ऐसे कीबोर्ड्स हो तो टाइप ही नहीं हो रहे हो और दबा दबा के थक जाओ आप। ऐसे में आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी होना चाहिए ताकि वर्स्ट के सिनेरियो में भी आप पूरा सॉल्व कर लो। ये अपना मेंस हो गया। आपका जब मेंस क्लियर होगा इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू इस बार के इंटरव्यू हुआ था इस बार, क्योंकि COVID-19 था इसलिए ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं हुआ था, केवल इंटरव्यू हुआ था। वो 49 मार्क्स केवल इंटरव्यू के थे। तो उसमें मेरा जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि जो मैंने जीए पढ़ा है वो कंटिन्यू करना, अपना बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करना और करंट अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग करना। फॉर एग्जांपल मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ट्रंप गए हैं बिडेन आएंगे तो उससे क्या इंडिया यूएसए में क्या क्या इशू आ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपको अगर आप रेगुलर पेपर वगैरह नहीं पढ़ रहे हो तो आप उसको आंसर नहीं दे पाओगे। दूसरा ऑनेस्टी पूरी दिखाना है, कोई आंसर नहीं आता है बोल दो नहीं आता। अगर आपको गैस करना है तो आप पहले बोल दो कि सर मैं गैस कर रहा हूँ फिर आंसर बताओ।
फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज स्मार्ट मशीन, अब मेरे दिमाग में ये तो आ गया था कि जो AI है मशीन लर्निंग को यूज़ करके एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग मशीन होती है, स्मार्ट मशीन होती है, पर मेरे दिमाग में एक डाउट था कि हो सकता है कि स्मार्ट मशीन एक टर्मिनोलॉजी हो जो यूज़ की जाती हो, तो उसके लिए मैंने ये बोल दिया सर मैं गैस कर रहा हूँ पर इसका आंसर शायद ये होगा। फिर उन्होंने उसी को कंटिन्यू कर दिया, हाँ तुमने सही बोला बस एक एग्जाम्पल और दो, तो फिर मैंने अलेक्सा का एग्जाम्पल दे दिया था। तो अगर आप गैस कर रहे हो तो बोल दो आप गैस कर रहे हो ताकि सामने वालों को ये मालूम पड़ जाए कि वो घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऑनेस्टली आंसर दे रहा है। दूसरा, कभी एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स मत रखना, लाइक आपसे ये पूछा है कि सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, हाँ सर कर देना चाहिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेकार है, ये एक्सट्रीम व्यू हो गया, ये नहीं रखना। या फिर ये भी नहीं बोलना है कि नहीं सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि ये गवर्नमेंट और RBI के जो स्टैंड उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो जो एक प्रैक्टिकल व्यू है, जो सही व्यू है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों का साथ में रहना जरूरी, क्योंकि दोनों के अप्रोच अलग होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक सोशल वेलफेयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कमर्शियल पर ज़्यादा ध्यान देता है, और दोनों की ज़रूरत है। इस तरीके से एक बैलेंस व्यू रखना चाहिए जो सही व्यू हो, और इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि रेदर देन ऑन अपना टाइम ट्विटर पर स्पेंड करने से अच्छा ये है कि जो RBI गवर्नर हो गए या फिर जो SBI के चेयरपर्सन हो गए, इन लोगों के इंटरव्यू पढ़ो, इन लोगों के इंटरव्यूज देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि असली तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। क्योंकि ट्विटर पे तो सब लोग एक्सपर्ट बनते हैं पर वो नॉलेज गलत होती है, उससे अच्छा ये रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो हमारे प्रेजेंट SBI के चेयरमैन है, मैं उनका इंटरव्यू देखे गया था, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पर ये बात कही थी कि प्राइवेटाइजेशन कंपल्शन नहीं होना चाहिए पर कैपिटल सही तरीके से यूज़ हो रहा है इसको पूरा ध्यान देना चाहिए, अगर कैपिटल सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है तो प्राइवेटाइज कर दो, इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो ये अप्रोच आप रखोगे जो सही प्रैक्टिकल अप्रोच है तो बेटर रहेगा, रेदर देन गोइंग ऑन एक्सट्रीम व्यू पॉइंट। इंटरव्यू को बस ये रखना है कि जो आपने प्रीलिम्स मेंस के लिए जो पढ़ाई की थी उसको ध्यान रखना है, प्लस डेली करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना है, अपना व्यू पॉइंट स्ट्रॉन्ग करना है और सही करना है, एक प्रोफेशनल व्यू पॉइंट लाना है रेदर देन ट्विटर व्यू पॉइंट या फिर व्हाट्सएप व्यू पॉइंट, वो बेकार है। इस तरीके से आप ये सब कर लोगे तो आई होप कि आपका, मेरे ख्याल से आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि कई लोग इस ये चीज़ फॉलो करते नहीं है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि GA तभी पढ़ेंगे जब प्रीलिम्स क्लियर होगा, फिर क्रेम अप करना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। GA अगर रेगुलर करते रहोगे और आप टेस्ट सीरीज वगैरह रेगुलर दोगे तो प्रोबेबिलिटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा काफ़ी अच्छा है। आई होप कि आपका हो जाए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।